हेलो दोस्तों, यूनिक इट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर गोभी की सब्जी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको दोस्तों मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करें तो मेरे रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आलू मटर गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई में अभी हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए आलू। आलू के साथ ही हम इसमें डालेंगे फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके इसे सुखा के लिया है। तो ये फूल गोभी को अभी हम तेल में डाल देते हैं। फूल गोभी और आलू को हम तेल के साथ अच्छे से मिला लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। आलू और गोभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अभी हम इस पे रख देंगे ढक्कन 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को अभी हम लो कर देंगे। लो गैस फ्लेम पर ही हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे, ये देखिए आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे आलू और गोभी फ्राई करके डालने से सब्जी में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसी तेल में अभी हम डालेंगे 2 तेज पत्ते और गैस की फ्लेम को अभी हम लो ही रखेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 1 बारीक कटा हुआ प्याज भी डालेंगे। और प्याज को हम प्याज का कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे। अभी देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम इसका कच्चापन जाने तक अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इन मसालों को भी हम लो फ्लेम पे 1/2 मिनट तक भूनेंगे। मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। और टमाटर की प्यूरी को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला जल्दी भुनने के लिए हम इस पे रख देंगे ढक्कन लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम देखेंगे, ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि हमारा मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम इसमें फूल गोभी और आलू डाल देंगे जो हमने फ्राई करके लिए थे। 1/2 कप मटर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं इसलिए मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला है, पर अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करते हैं तो आप इसमें 1 ग्लास पानी डालिए क्योंकि फ्रेश मटर को पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो पानी को भी अभी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। पानी को भी हमने इसमें अच्छे से मिला लिया है तो अभी हम इस पर रख देंगे ढक्कन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि आलू और गोभी पके हैं कि नहीं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि आलू और गोभी पके हैं कि नहीं। ये देखिए आलू अच्छे से पक चुका है तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि गोभी पका है कि नहीं। ये देखिए गोभी भी अच्छे से पक चुका है
तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हम इस पे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे लो फ्लेम पे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे। ये देखिए हमारी एकदम बढ़िया आलू मटर गोभी की सब्जी सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। अभी हमारी सुपर टेस्टी आलू मटर गोभी की सब्जी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो इस आलू मटर गोभी की सब्जी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक अच्छी रेसिपी के साथ।